Hey guys, welcome back to our channel. आज बैंक निफ्टी अपने हाई से 1300 पॉइंट गिरा है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी ने आज नीचे की तरफ, whereas निफ्टी ने सिर्फ 200 पॉइंट्स का डाउन मूव दिया है. और आज मैंने और निकिता ने भी बहुत काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है आज. सो लेट्स सी यू नो हाउ वी टैकल द मार्केट एंड हाउ वी मेड द प्रॉफिट. एडिशनली वी विल ऑल्सो कवर कल क्या करेंगे हम, हमारा व्यू कल के लिए भी क्या है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव हो गया है. So let's see, कल का ओपिनियन क्या था. तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट, मैंने आपको कल जब डेली चार्ट में देख रहा था बैंक निफ्टी का, कल मैंने आपको ये बताया था कि एक 3 दिन से बैंक निफ्टी एक बहुत छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है. बहुत कम होता है बैंक निफ्टी जब ऐसे करता है तब. ओके, सो आई टोल्ड यू कि आज आरबीआई पॉलिसी है. आरबीआई पॉलिसी में फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि मूव आने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. ओके, दैट्स द फर्स्ट इंडिकेशन कि हमको पता था मूव आएगा. सेकेंड इंडिकेशन क्या था, मैंने आपको बोला था कि ये जो छोटा सा रेंज है उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है हमको. तो ये ब्रेकआउट जो हुआ, मैं आपको 15 मिनट्स में भी बताऊंगा, ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ. ओके, इट ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन हो गया बेसिकली. सो जैसे हमने प्लान किया था एग्जैक्टली मार्केट वैसा चला है. तो जब भी ऐसा होता है तो वी एंड अप मेकिंग गुड प्रॉफिट्स. और अगर अपने प्लान के हिसाब से नहीं चलता है देन वी हैव टू यू नो ट्राई टू कम कॉस्ट टू कॉस्ट और यू नो इन माइनर प्रॉफिट्स. तो ऐसे करके ही साल के एंड में फिर अच्छा प्रॉफिट बनता है. नाउ बिफोर मैं आपको लेके जाऊं 15 मिनट के चार्ट पर, उसके पहले आज का जो कैंडलस्टिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज का जो कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल है, एकदम सुपर बेरिश कैंडल है. ओके, तो जब भी ये बेरिश कैंडल बनता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तब देखो आप, ये तो ये बड़े बड़े कैंडल्स के जो हाइज रहते हैं वो निकलते नहीं है यूजुअली. ओके, तो हम एक सिंपल करेंगे, ये जब बेरिश कैंडल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा फिर हम कुछ बुलिशनेस के बारे में सोचेंगे, वरना अभी के लिए कुछ नहीं सोचेंगे. सो ऑन द डेली चार्ट सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न हमको बता रहा है कि बेरिश है मार्केट. ओके, हम नहीं गेज कर रहे उसको, कैंडलस्टिक इटसेल्फ इज टेलिंग अस. अब सेकंड में बताता हूँ आपको, सेकंड कल क्या होने के चांसेस है मार्केट में. देखो आज का अगर हाई टू लो मैं ड्रॉ करूँ तो 1287 पॉइंट्स है मार्केट का मूवमेंट हाई से लो. एक बार अगर मार्केट इतना अगर चल गया है ऑलरेडी, यूजली क्या होता है, दो चीजें होते हैं, या तो अगले दिन वो रेंज के अंदर एक और दिन बिताएगा ये इनसाइड कैंडल बनाता है ये, और फिर वी हैव टू ट्रेड द इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, या तो मार्केट नीचे जाता है. ओके, तीसरा जो पॉसिबिलिटी है ना, ये ग्रीन रेड कैंडल से भी बड़ा ग्रीन कैंडल आने का उसका पॉसिबिलिटी बहुत लो है. सो कीप एन आई आउट फॉर बेरिशनेस ओनली नाउ. सो नेक्स्ट वी लुक एट 15 मिनट के चार्ट में देख के हमने आज कैसा ट्रेड किया उसको देखते हैं एक बार. कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि ये रेंज है बैंक निफ्टी का. मैंने बोला था आपको ये रेंज का ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आरबीआई पॉलिसी है, इवेंट डे है. आई टोल्ड यू बजट के दिन पे व्हाट हैपेंड, बजट के दिन पे मार्केट वॉज साइडवेज, राइट. जो नए ट्रेडर्स है, इमेजिन करो नए ट्रेडर का साइकोलॉजी, उसका क्या माइंड में चलते रहेगा, बजट डे पे मूवमेंट नहीं आता है. ठीक है, उस दिन हैवी थीटा डीके हो गया था, विच मीन्स ट्रायंगल वालों ने बजट डे के दिन बहुत अच्छा कमाया था. तो इमेजिन वो नया रिटेलर को अगर लूटना है किसी कॉपरेटर को, तो वो क्या सोचेगा, वो जो नया रिटेलर है वही सोचेगा कि पहले जैसा इवेंट हुआ है नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही होएगा. तो मैं आपको बेट लगाता हूँ बहुत लोगों ने आज स्ट्रैडल ट्रायंगल खेला होगा, स्पेशली जो नए एंट्रेंट्स है ना मार्केट में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ट्रेडिंग सिंस 4-5 ईयर्स, बट जो नए लोग हैं ना उन्होंने आज ट्रायंगल्स में खेल के अच्छा खासा लॉस किया होगा आज. सो दैट इज व्हाई यू नो वी ऑलवेज से इवेंट के बाद ट्रेड करो. उसके बाद क्या होता है, एक बार डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. इवेंट के पहले अगर ट्रेड करोगे वो सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग ही है. सो इफ यू लुक यस्टरडे जो मैंने बताया, इफ यू केयरफुली लुक, ये जो कैंडल मार्क की है मैंने वो 10 बजे वाली कैंडल है. आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट उसके बाद आता है. ओके, सो उसके बाद हमको सिंपल करना है, ये डे हाई तोड़ने वाला है क्या, तो डे हाई तो तोड़ नहीं रहा था वो, तो विच मींस ब्रेकआउट का ट्रेड आया नहीं हमारे पास. अब इसने क्या किया, ये रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल को नीचे की तरफ तोड़ दिया. ओके, और एक और चीज निकी, काफी ऐसे नीचे की तरफ तोड़ दिया मींस आपको क्या करना है, सिर्फ फॉल सेल ही करना है. मैं आपको गारंटी देता हूँ सारे के सारे डायरेक्शनल ट्रेडर्स जो है उन्होंने आज का हाई और उसके 1000 पॉइंट्स ऊपर तक ये पूरे जोन में सब कॉल्स बेचे है. लिटरली उन्होंने यही कॉल्स बेचे हो गए. कोई भी डायरेक्शनल ट्रेडर को पकड़ो आप, आईटीएम तो सेल करेगी नहीं वो, तो ओटीएम में ये सब स्ट्राइक ही बेचे हो गए उन्होंने 46,000 टू 47,000 के रेंज के अंदर. सब 90% लोगों ने यही किया होगा. इमेजिन कि आपने कॉल सेल किया है तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुला तो डरोगे क्या आप, बिल्कुल नहीं डरोगे. ठीक है, आप एक ही केस में डरने वाले हो, अगर काफी अच्छा खासा गैप अप हो गया ना तो ही डरोगे आप. तो वील टैकल दैट कि कल के बेसिस पे
कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, उसके बेसिस पे विल थिंक। ऑल्सो एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया, निकिता इज अ वेरी गुड एट ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन्स। सो ट्रेंड लाइन पे देखो आप, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टाइम पे मार्केट ने तोड़ा है, फिफ्थ टाइम। जितना ज्यादा सपोर्ट टेस्ट होता है उतना ज्यादा उसका ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा है। सो वी गॉट मेनी कॉन्फर्मेशंस। फर्स्ट वी न्यू दैट अ मूव इज लाइकली टू कम, सेकंड वी न्यू दैट द ट्रेंड लाइन गिव अ ब्रेकडाउन, थर्ड वी न्यू कि इट गेव अ फेक अप मूव एंड देन इट इज ब्रेकिंग द रेक्टेंगल का लो। सो ऑल दीज लॉजिक्स यू नो मेट टूडे, विच इज वाई निकिता स्पेशली उसने काफी अग्रेसिवली कॉल सेल मतलब करके ट्रेडिंग की है आज, यू नो बिकॉज यू नो वो द मोर हर पैटर्न ट्रिगर द मोर प्रॉफिट शी एंड अप मेकिंग। ओके सो शी जस्ट नीड्स पैटर्न एक्टिवेट होना चाहिए बस। और इंट्राडे में भी बता दूं मैं आपको कि इंट्राडे में अगर आप ये डाउन मूव है तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ उसका पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है जिस विच अगेन गेव अ ब्रेक डाउन बाद में, तो अगेन अनदर एंट्री शी गॉट। सो लेट्स सी कल की ओपनिंग के बेसिस पे अभी कैसा ट्रेड करेंगे हम। अभी इमेजिन करो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत लोग हो गए जिसने आज 1000 पॉइंट के मूवमेंट में सेल नहीं किया होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं सबने किया है। अब क्या होएगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है यहाँ पे, ओके, तो इट विल मीट ऑल दी सेलर्स, ये जो सेलर्स है ना सब, एवरी टाइम मार्केट टचेस मार्केट बाउंस होके नीचे आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने नहीं बेचने मिला जिनको आज, वो वापस सेल करने वाले है, फर्स्ट पॉइंट। तो अप मूव पे आर व्यू इज कि सेल ऑन राइज करना है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अभी मान लो साइडवेज फ्लैट खुलता है, अगर सेकंड ये साइडवेज खुल गया यहाँ पे कहीं पे, अगर आपको आपने कॉल सेल किए है, ठीक है, कोई भी अगर मार्केट चलो साइडवेज खुल जाता है और अगर आपने फ्लैट लाइक फार ओटीएम कॉल सेल किए तो आप फ्लैट मूव में क्यों डरोगे आप? आपका एमटीएम तो कम नहीं हो रहा है ना, आपका एमटीएम कम होगा तो ही डरोगे आप। तो फ्लैट अगर खुल गया मार्केट और अगर आज का लो निकाल देता है मार्केट उसके नीचे, तो हम एक डाउन मूव और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्पेशली डाउन मूव क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस एटलीस्ट मिनिमम बाकी है और 450 पॉइंट्स तो और जा सकता है इजीली मार्केट। अगर आज का लो तोड़ देता है तो 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है मार्केट में वापस। ओके थर्ड है कि गैप डाउन, ओके थर्ड पॉसिबिलिटी है गैप डाउन होने का। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो गैप डाउन में क्या हो जाएगा, गैप डाउन में ऑलरेडी इतनी सेलिंग आ चुकी है एंड सबको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जिस जिसने सेल किया होगा ना आज अगर गैप डाउन होता है, ओके मान लो ऐसा कोई कैंडल आता है, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाने लगेगा ना वो क्या करेगी, डर जाएंगे कि एमटीएम कम हो रहा है। तो इफ दे स्केर्ड एंड दे डोंट वांट टू लूज देयर एमटीएम, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस। सब जो सेलर्स है अगर स्क्वायर ऑफ करेंगे अपना पोजीशन तो मार्केट कहां ऊपर जाने का चांस ज्यादा है फिर। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ फर्दर आज जितना बड़ा सेलिंग कैंडल, ओके थोड़ा बहुत इट कैन हैपन कि नीचे जाए, अल्टीमेटली आई थिंक वो क्लोज देगा ऊपर की तरफ फिर अगर गैप डाउन खुल जाता है तो। फ्लैट खुल गया तो मैंने बता दिया आपको, फ्लैट खुल गया तो आज का लो जाने के लिए रुकना है बस, फिर बेरिश खेलना है। और अगर ऊपर जाता है मार्केट तो पूरा का पूरा सेल ऑन राइज का व्यू है, जितने रेड कैंडल है सब पे रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। जिस जिसको सेल नहीं करने मिला ना आज, कल ट्राई करेगा सेल करने को। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी ये निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में आ गया। मैंने आपको कल का जो एक कल का ड्रॉइंग अभी तक ऐसे ही रखा है मैंने, तो मैंने क्या बताया था, अगर 2250 ये लेवल के अगर ऊपर निकलेगा मार्केट जो अपना रेजिस्टेंस था फिर हम बुलिश प्लान करेंगे। पर वो लेवल के ऊपर निकला है क्या मार्केट? नहीं निकला, तो बुलिशनेस का तो कोई सवाल ही नहीं है खेलना फिर। ओके अभी नेक्स्ट निफ्टी में हमने क्या बात की थी, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स को जहां पे भी तोड़ेगा मार्केट वहीं ट्रेड लेना है। तो ये बॉक्स नीचे का तरफ तोड़ दिया उसने, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड, ओके इन निफ्टी अगेन। सो सेम थिंग इन निफ्टी, अगर लाइक निफ्टी ओपन्स फ्लैट एंड स्टार्ट्स टू गो अप तो हमको लगेगा कि रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हर एक कैंडल पे। ओके एवरी टाइम इट गोज अप वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस, विच इवेंचुअली नीचे आने के चांसेस ज्यादा है उसके, चांसेस है। ओके अगर फ्लैट खुल जाता है ना अगर, और अपने पहले 15 मिनट का रेंज नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम नीचे की तरफ 21450 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे, हम वैसा प्लान करेंगे निफ्टी में ट्रेड करना। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो यूजुअली यू नो निफ्टी इज वेरी ट्रिकी, सो व्हाट आई ट्राई टू डू, निफ्टी में पहला 15 मिनट पहला 30 मिनट का जो दो कैंडल्स है उनके हाई लो पे एक लाइन मार देना और जहां भी ब्रेक करे देन लाइक अलाइन योर बायस वहां की तरफ। फाइनली सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कर ले तो सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी ये जो ट्रेंड लाइन है मिनी ट्रेंड लाइन,
इसको चार बार टेस्ट किया था मार्केट ने, एंड टुडे इट गेव अ ब्रेकडाउन उसका। तो सेंसेक्स में एवरी टाइम आज के लो के नीचे अगर ट्रेड करेंगे हम, द लेवल इज 71,200। 71,200 के नीचे जाएगा तो वापस बेरिशनेस प्लान करेगा हम सेंसेक्स में। एंड इवन सेंसेक्स में कल के लिए अगर कल गैप अप या फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है तो हम एक इनसाइड कैंडल एक्सपेक्ट करने वाले हैं डेली चार्ट पे। ओके, तो आज के रेंज में, हाई लो के रेंज में रहना बहुत हाई चांसेस है। अगर आज का लो तोड़ता है वो, तो बेरिशनेस कंटिन्यू करेगा सेंसेक्स में। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। टू जस्ट समराइज माय पॉइंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द इंग्लिश ऑडियंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉइंट्स व्हिच वुड हैव लाइक इंडिकेटेड दैट अ मूव इज गोइंग टू कम टुडे। फर्स्ट वन वाज, यू नो, बजट वाज एक्सट्रीमली फ्लैट, विच मीन्स दैट द नेक्स्ट इवेंट विच विल हैपन वो सेम फ्लैट नहीं रहेगा सब। ओके, उनका देयर इज अ वेरी हाई चांस इफ द बजट वाज फ्लैट दैट टुडे देयर कुड बी अ मूव। ओके, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। Second point was market was trapped in a range, so we had to trade the range breakout or the breakdown. So today we had a breakdown in the range. That's why everyone was gung-ho on selling calls, and you know, everyone was selling calls aggressively. And that's how all the directional traders would have made profit. I also told the range in the, they would have basically shorted any call from 46,000 to 47,000. And finally for tomorrow, agar hum flat khul ke, if we start going up, then we are expecting resistance at each level. So we are expecting kind of an inside candle. And if it breaks today's low, we are expecting further downsides in all the indices. Okay, so that was it for our analysis today. Agar aapko ye chote chote logics help karte hai, and if it's not too much of an hassle, please consider liking this video. And aap, kal maine kaafi comments padhe ki aap Nikita ke liye ruke ho, Nikita ke support resistance video ke liye. So be assured, either kal upload karegi wo, ya to Saturday ko upload kar degi Nikita. And for that upload, let's keep a target ki is video par 400 likes ka target rakhte hai hum. If that happens, we'll release the video tomorrow. So I wish you a very good trading session tomorrow and have a great day.